शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आजकल इंसानों के खून में भी माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है। लेकिन हमारे शरीर में प्लास्टिक आ कहां से रहा है? दरअसल इंसानों द्वारा फेंका गया प्लास्टिक वेस्ट नदी नालों से होते हुए सीधा समुद्र में जाता है, जहां समुद्र की लहरें इन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर देती है, जिसे प्लास्टिक गार्बेज पैच कहते हैं। और सबसे बड़ा गार्बेज पैच प्रशांत महासागर में है, जो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जहाँ पे इकट्ठा हुआ प्लास्टिक पहले टुकड़ों में टूटता है और फिर समुद्र में जाता है, जहाँ छोटी मछलियाँ उसे खाती हैं, फिर छोटी मछली को स्क्विड खाती है, और स्क्विड को टूना मछली खाती है, और टूना मछली को इंसान खाते हैं, और ये प्लास्टिक इंसानों के खून में आ जाता है, जिसे हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। इसके अलावा बाकी समुद्री जीवों को खाने से भी हमारे अंदर प्लास्टिक आ जाता है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें।